स्वागत है आपका मोनालिसा आर्ट्स चैनल में। आज जो हम ड्राइंग सीखेंगे वो एक एनिमल बना रहा हूँ और एनिमल का नाम है हॉर्स। हॉर्स को हम पेंसिल शेडिंग से बनाएंगे। आप स्ट्रोक देखिएगा, मैं दो पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, 2B एंड 8B, और दोनों पेंसिल के कहाँ कहाँ पे यूज़ हैं वो बताऊँगा। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये ड्राइंग मैं कैसे कम्प्लीट करता हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप देखिएगा। और अभी कोई बनाएगा नहीं, जब मैं बना चुकूँगा तब आप ट्राई करेंगे इसको। प्लेन पेपर पे अच्छी पेंसिल यूज़ करेंगे, दो पेंसिल मैंने बताई, 2B एंड 8B शेडिंग पेंसिल यूज़ करेंगे। और बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से, इत्मीनान से और सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। आप प्रोसेस शुरू कर दें, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, जैसा कि मैं हर ड्राइंग बनाते समय कोई भी प्लेन पेज लेता हूँ, तो अभी मैं हॉर्स बना रहा हूँ तो हॉर्स हॉरिजेंटली बनाऊंगा, तो मैं हॉरिजेंटल पेपर भी लिया हुआ है और उस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। और वो डायग्राम को आसान करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप कोई भी हॉर्स है या कोई भी एनिमल है या कोई भी पॉट बना रहे हैं, उस डायग्राम को 4 पार्ट में डिवाइड कर लें। जिस पार्ट में जो चीज़ है, सपोज़ अभी हॉर्स बना रहा हूँ, हॉर्स का हेड यहाँ पर आ रहा है, टेल यहाँ पर आ रही है, एक लेग यहाँ पर आ रहा है, एक लेग यहाँ पर आ रहा है, एक लेग यहाँ पर, तो क्लियर हो जाता है कि किस खाने में कहाँ पर कौन सी चीज़ बनेगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हेड की तरफ से। सबसे पहले हम इसका हॉर्स का हेड बनाएंगे। तो स्टूडेंट, देखा आपने, ड्राइंग तैयार है। अब शेडिंग की बारी, अब हम शेडिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिया है 8B पेंसिल, जो बहुत ही डार्क पेंसिल है, स्टेडलर की है, और इससे हम शेडिंग शुरू करेंगे। शेडिंग करने से पहले जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी आपका रफ लाइन है, उसको आप पहले से ही इरेज कर लीजिए ताकि आसानी से आप शेडिंग कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग। मैं टेल से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट टू राइट पे लूँगा तो ज़्यादा आसानी है आपको। आप देख भी रहे हैं कि हमारी ये जो पेंसिल है बहुत ही डार्क चल रही है।
बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक लगाने हैं शेडिंग पेंसिल के थ्रू। ये स्ट्रोक आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सी वाइजली। तो देखा बच्चों, हॉर्स बन के तैयार है आप। अच्छे से फॉलो करिए, प्लस का निशान बनाइए और जिस पोर्शन में जो चीज़ आ रही है उसको बनाइए और टेक योर टाइम, बहुत सुंदर सा बना के दिखाइएगा मुझे। थैंक यू। लास्ट में फिर एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोनालिसा आर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।